पश्चाताप होने लगा। देखो, कोई भी अपराध हो जाए, कोई अनैतिक कार्य अपने जीवन में हो जाए प्रारब्धवशात अथवा अज्ञानवश, तो अपने किए पर अगर वास्तविक पश्चाताप होता है तो यह पश्चाताप ही वास्तविक प्रायश्चित्त कहलाता है, अलग से प्रायश्चित्त नहीं। हमारा मन उसे अपराध स्वीकार कर ले और पश्चाताप हो, यह पश्चाताप ही प्रायश्चित्त है। पश्चाताप कर्म को करने के बाद जो ताप उत्पन्न हुआ, उस ताप की अग्नि में व्यक्ति व्यथित हुआ, दुखी हुआ, यही वास्तविक पश्चाताप है, यही प्रायश्चित्त। और इस प्रायश्चित्त से ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसके बाद जो शास्त्रीय विधान है वो तो करना ही चाहिए, परंतु अपने किए पर पश्चाताप हो जाए तो ये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। और अपने किए पर पश्चाताप न हो, अपना मन तो यही स्वीकार करे हमने जो किया है वो ठीक किया है, लेकिन दुनिया गलत कह रही है इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हम प्रायश्चित्त भी कर लें, क्षमा भी मांग लें, सॉरी भी बोल दें, बोले उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका प्रायश्चित्त नहीं होता। यथार्थ में जब तक अपने अंतःकरण में पश्चाताप न हो। महाराज परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसी समय महाराज परीक्षित अपना राज्य अपने पुत्र को देकर गंगा के तट पर चले आए, सब कुछ छोड़ दिया। गंगा के तट पर आ गए और प्रायोपवेशन करके विराजमान हो गए। प्रायोपवेशन का मतलब न अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न शयन करेंगे, न विश्राम करेंगे, जब तक जीवन रहेगा इसको कहते हैं प्रायोपवेशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसको अनशन कहा जाता है, अनशन करके बैठ गए। अनशन, अनशन का मतलब अ माने नहीं, असन माने भोजन, अनशन माने हम कुछ नहीं खाएंगे न ग्रहण करेंगे, इस भाव से बस अपने मन की शुद्धि के लिए और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां आ गए महाराज परीक्षित का दर्शन करने के लिए। इस समाचार को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए और तब तक कहीं से विचरण करते हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान भी आ गए। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान आ गए। सुखदेव जी की झांकी कैसी है, व्यास जी कहते हैं कि तम दष्ट वर्षम सुकुमार पाद, तम दष्ट वर्षम, 2-8, 2-8 का मतलब 8 × 16 वर्ष के सुखदेव जी, सुकुमार पाद, अत्यंत सुकुमार चरणारविंद जिनके हैं, जिनके करारविंद भी अत्यंत सुकुमार हैं, हंस कपोल गात्रम, कपोलादिक भी सुखदेव जी के बड़े सुंदर मनोहर, 16 वर्ष की अवस्था, आंखें बड़ी सुंदर, सुभ्वाननम कंबु सुजात कंठम, सुंदर भौहें और कंबु सुजात कंठम, शंख के समान सुखदेव भगवान की ग्रीवा, निगूढ़ जत्रुम, यहां की जो हड्डियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं, मांसल हैं भरी हुई, निगूढ़ जत्रुम, प्रसतुंग वक्ष और वक्षस्थल अत्यंत उत्तुंग, ऐसे श्री सुखदेव भगवान दिगंबरम, दिगंबर है, कोई वस्त्र नहीं धारण कर रखा है, वक्त्र विकीर्ण केशम और केश खुले हुए हैं, प्रलंब बाहुम आजान बाहु हैं, प्रलंब बाहुम आजान बाहु का मतलब आ माने पर्यंत और जानु माने घुटना, इसी घुटने को जानु कहते हैं, आजान मतलब घुटने तक जिसका हाथ हो, आजान बाहुम समरोत्तमाभम, ऐसे श्री सुखदेव भगवान पधारे। देखो कथा में कहते हैं ना कि सुखदेव भगवान के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ही राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए,
इसीलिए जो जो विशेषताएं भगवान की हैं वो सारी विशेषताएं सुखदेव भगवान में दिखाई पड़ रही। 16 वर्ष की अवस्था, भगवान भी सदा युवान ही रहते हैं। जुवा सुवासाह परवीत यागात सौ अश्रेयान भवति जायमान, तो भगवान भी सदा जुवान ही रहते, उनमें वार्धक्य नहीं होता, इसलिए सुखदेव जी भी सदा 16 वर्षीय ही रहते। और जैसे भगवान की ग्रीवा शंख के समान, उसी तरह सुखदेव जी की भी ग्रीवा शंख के समान, भगवान आजान बाहु, सुखदेव जी भी आजान बाहु। सुखदेव जी के भी नेत्र बड़े सुंदर मनोहर लोले क्षण नेत्र, जैसे भगवान का कर कमल चरण कमल अत्यंत कोमल, उसी प्रकार सुखदेव भगवान के चरणारविंद करारविंद परम कोमल। इस प्रकार से भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान की जो दिव्य विशेषताएं हैं, वो सब विशेषताएं सुखदेव भगवान में परिलक्षित हो रही हैं। यह संकेत है कि महाराज परीक्षित का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान सुखदेव के रूप में आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। और देखो, भगवान भी श्याम वर्ण है, सांवले हैं, तो सुखदेव जी भी सांवले हैं। श्यामम सदापीच वयोंग लक्ष्म्या, श्यामम सदापीच, सुखदेव भगवान भी श्याम वर्ण है। ऐसे सुखदेव भगवान आ गए, कितनी अद्भुत विशेषता है महाराज परीक्षित की। उनका सौभाग्य है कि जन्म के पहले गर्भ में भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनकी रक्षा की, और आज जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला है, तो फिर भगवान कृपा करने के लिए सुखदेव के रूप में आ गए। मनुष्य के जीवन के दो दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का दिन। इसी दो दिन में पूरा जीवन रहता है, दो दिन में ही सारा जीवन है, एक जन्म का दिन एक मृत्यु का दिन। इसीलिए भक्तों ने कहा यह जीवन दो दिन का। दो दिन का क्यों कहा? दो दिन का मतलब यही, एक जन्म एक मृत्यु, इसी दो दिन के बीच में जो है वही तो जीवन है। ये जीवन दो दिन का, और इस दो दिन में करना क्या है? बोले भगवान का भजन ही तो करना है। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है जंगली की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा,
चेतन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन करो भाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपने की माया ये तन है सपने की माया ये तन है सपने की माया ये तन है सपने की माया। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। ये जीवन दो दिन का जीवन है। इधर पधारें।